गाइस फाइनली हमारी दाल मोठ बन के तैयार हो गई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे घर में दाल मोठ। दाल मोठ कैसे बनाते हैं, घर पे दाल मोठ कैसे बनाएं, तो आज की वीडियो में आज ये देखेंगे। देखिए, अभी हमने पहले दाल और थोड़े से दो आलू हमने उबालने के लिए रख दिए हैं, तो देखते हैं अभी ये उबल जाते हैं। तो गाइस अभी हम 2 से 3 सीटी का इसमें वेट करेंगे, और जैसे ही 2 से 3 सीटी लग जाएंगी तो इसका जो उबलने का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो गाइस देखिए, सीटी जो है फर्स्ट सीटी आने वाली है। हमें 2 सीटी का वेट करना है, 2 सीटी में प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो देखिए, तो गाइस अभी ये जो है उबलने का जो प्रोसेस था वो पूरा होके तो अभी हम इसकी जो अंदर की भाप होती है उसको निकाल रहे हैं। देखिए, चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमने इसके लिए सामान तैयार कर लिया है। ये नींबू है, ये हरी मिर्च है, 4 हरी मिर्च ली हैं, ये ऑनियन है, ये टमाटर है, और ये धनिया है, काट लिया है हमने धनिया को, और ये मसाले हैं ये थोड़े थोड़े लिए हैं, और मिर्च है, और ये हमारी तीखी मिर्च है, और ये चाट मसाला है, और ये आपका काला नमक है। तो अभी इन सारे को प्रोसेस करते हैं, देखिए कैसा बनता है। तो गाइस ये प्याज कट रही है अभी। आप भी अपने घर में से ये चीज़ बना सकते हैं, और इसके लिए जो भी सामान है मैंने आपको दिखा दिया है। आप पहले जो प्रोसेस है उसको जैसे जैसे वीडियो के हिसाब से उसको फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इसको ईजिली बना पाएंगे। प्याज को हम देखिए कुछ इस तरीके से काट रहे हैं। आप भी अपने हिसाब से जैसा आपको काटना हो वैसा आप काट सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको इसी तरीके से काटना है। वो आपका जैसा दिल करे, जिस भी शेप पे आप काटना चाहते हो उसको काट सकते हैं। तो गाइस ये हमने इसमें से कुकर में से निकाल के इसको एक बार छान लेते हैं। अगर आपके घर में छलना है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़े में इसको छान सकते हैं। कोई सूती कपड़ा हो तो साफ लेके उसे जो है आप कर सकते हैं इस तरह का प्रोसेस। तो अभी हम इसका पहले थोड़ा सा पानी जो है ना वो सारा निकल जाए, जब पानी सारा निकल जाएगा तो ये अच्छे से मतलब फ्रेश हो जाएंगे, मतलब जब सूख जाएंगे अच्छे से। का प्रोसेस हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो प्याज काट ली थी, और अभी हरी मिर्च। और गाइस आप किसी भी तरीके से, मतलब आपका जो भी जिस तरह का सा मन करे आप उस तरीके से काट लीजिएगा। तो अभी हम तो इस तरीके से शेप काट रहे हैं इसकी। तो ये अभी टमाटर, इसका भी आप कोई भी शेप काट सकते हैं। अभी हम इस तरीके से शेप काट रहे हैं इसकी। तो आप और भी जो कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जैसे हमने तो अभी ये 4 चीज़ें ऐड करी हैं, ऑनियन, प्याज, धनिया, हरे मिर्च और टमाटर। आप और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो आपके स्वाद के हिसाब से आपको जैसा ऐड करना हो आप वो कर सकते हैं। तो गाइस ये नींबू ले लिया है हमने। गाइस 5 चीज़ें नींबू भूल गया था, तो ये 5 चीज़ें हैं, नींबू भी है थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप भी अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। तो इसमें एक नींबू है जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो आलू को आपको चाहे तो आप हाथ से छील सकते हैं, चाहे आप चक्कू से छील सकते हैं। तो ये उबल गया है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो अभी हम चक्कू से इसको छील रहे हैं। आलू के प्रोसेस को भी हम इस तरीके से कुछ कटिंग कर लेंगे। देखिए आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको कट कर लिया है। तो गाइस देखिए ये
प्रोसेस जो था, जो भी हमारे इंटीग्रेटर से, वो हम सब ले लिए हैं। एक बार मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, अगर आपको कुछ और देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये कटिंग है टमाटर और आलू की, ये है धनिया, प्याज, नींबू और हरी मिर्च की कटिंग, और ये है मसाले। ये आपका हरी, ये आपकी लाल मिर्च है, ये आपकी देगी मिर्च है, देगी मिर्च, और ये आपका चाट मसाला है, और ये आपका काला नमक है। तो आपको कुछ और भी ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो गाइस अभी इसको इसमें डालने का, आप कोई भी पतीला वगैरह ले सकते हैं घर का, जो जब भी आपको ठीक लगे। तो अभी हमने चेक कर लिया है, तो इसमें हमने कुछ ये जो है थोड़ी सी दाल मोट डाल दी है, और हम इसमें ये सारे जो हमने निकाल काटे थे उनको डाल रहे हैं। तो अपने हिसाब से आप धीरे धीरे जितना भी आप सामान लेंगे ना, मतलब आप जितना भी इसमें दाल मोट डालेंगे उसके हिसाब से उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप सारे एक साथ ही डाल देंगे, आप धीरे धीरे आपको जितना जितना बनाना है आप उतना उतना इसको बना सकते हैं। तो मान लो कोई घर में एक बंदा कह रहा है कि मुझे ही बना के दे दो, तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें ये जो सामान हमने काटा है उसको डाल सकते हैं। ये देखिए प्रोसेस इसका, थोड़ी थोड़ी हल्की मिर्च, ये हरा धनिया, ये नींबू निचोड़ दिया है। अपने हिसाब से आप इसको निचोड़ सकते हैं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसमें डाल सकते हैं इसको। गाइस फाइनली हमारी दाल मोट बन के तैयार हो गई है। तो अभी हमने अभी हमारे जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट थी, अभी मैं थोड़ा सा ही खाना था तो उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है, बाकी अभी मैंने छोड़ दिया है। तो मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होंगे आप वैसे वैसे इसको सर्व कर सकते हैं। तो बना बना के एट ए टाइम ये सिंपल तरीके से इंस्टेंटली बन जाती है, तो आप देख सकते हैं। तो ये कटोरियों में सर्व हो रहे हैं। गाइस टेस्ट करके देखें, बहुत अच्छा टेस्ट होगा इसका, वैसे ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बना है। तो ये तैयार हो गया है देखिए। तो गाइस अगर आप भी अपने घर में इसे बनाना चाहते हैं तो आराम से इजली इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। जैसा प्रोसेस उसमें बताया है आप उस तरीके से प्रोसेस कीजिएगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो इसमें मैंने वीडियो में बताया है कि आप क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हमने जो कुछ सामान लिए थे आप उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो जैसे आप इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको हींग डालनी है। तो गाइस आप इसमें मसाला भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको तीखा खाना है, ज़्यादा मिर्च वाला खाना है, मसाला तेज़ रखना है, और अगर घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें जो है थोड़ा कम मसाला रख सकते हैं, इनको फीका भी रख सकते हैं। तो मतलब जैसा आपको प्रोसेस ठीक लग रहा है वैसा आप कर सकते हैं, मतलब जैसा मसाला आपको खाना है और वैसा कर सकते हैं इसको। तो घर के सभी लोग इसे खा पाएंगे, मसाला आपको अपने हिसाब से इसमें ऐड करना है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसी बनी है। मुझे तो स्वाद अपने हिसाब से बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा मसाला इसमें नहीं करना था, तो हमने उसी हिसाब से इसमें मसाले डाले थे। आपको अगर थोड़ा तेज़ चाहिए तो आप कर लीजिएगा, हमने बच्चों के लिए जो मसाला कम डाला है तो बच्चों के लिए इसमें मसाला मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही डाला है। तो जैसा भी आपको अगर बड़े खाना चाह रहे हैं और चटपटा खाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से मसाला डाल दीजिए, और अगर आप बच्चे खाना चाह रहे हैं तो आप उसमें कम मसाला डाल दीजिए। तो जैसा जिसका स्वाद है वैसे उसको बना सकते हैं, तो इजी प्रोसेस है। तो गाइस अब हमने जो है दाल मोट का प्रोसेस आपको दिखा दिया, और हमने टेस्ट भी करके दिखाया आपको कि भाई टेस्ट कितना बढ़िया था। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय। Oh, 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 oh